अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मज़े में? तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा उस बात से। वो बात दरअसल कुछ ऐसी है ना कि रात को मैं सोया हुआ था ना कि मुझे ख्वाब आया। ये बात मैंने अपने घर वालों से भी नहीं शेयर की क्योंकि मैं आप लोगों घर वालों से भी मतलब हर बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मुझे ख्वाब आया, मैं सोया हुआ था। जिस घर में हम रहते हैं ना, ये मैं ख्वाब की बात होता है, जिस घर में हम रहते हैं वो घर है मतलब बड़ा और हम कटे रहते हैं। तो मुझे ख्वाब आया, मैं सोया हुआ था कि हमारा घर इतना छोटा था, पुराना था, मतलब कि आप लोग समझो कि मुझे पिंजरे में किसी ने बंद कर दिया। सही है? तो उसके बाद मुझे मतलब पिंजरे में किसी ने बंद कर दिया। उसके बाद हमारे घर में कुछ भी नहीं था, मैं इतना रो रहा था, यकीन करो। मैं कह रहा था यार मैं अमेजोन सीखता हूँ। मैंने कहा अमेजोन में भी बड़ा टाइम लगेगा और यूट्यूब तो मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब भी मैं कर रहा हूँ, मगर उसमें मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मतलब मैं मुझे रोना आ रहा था यार बहुत सख्त। तो उसके बाद मैं चला गया नमाज पढ़ने। नमाज मैं नहीं छोड़ता, भले कुछ भी हो जाए, भले मैं बेड में ही पढ़ाऊँ ना, फिर भी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। सही है? नमाज मैं नहीं छोड़ता। उसके बाद मैं चला गया नमाज पढ़ने। नमाज के बाद मैं आया, हमारे मतलब ख्वाब में ही था, नानी थी, मतलब के रखने की जगह नहीं थी। दवाई मवाई जो ऊपर रखते हैं ना, चीज़ होती है कोई, उसके ऊपर कोई दवाई रखी है कुछ, वो रखने की जगह नहीं थी। मतलब इतने गरीब थे हम। सही है? उसके बाद एकदम से मेरी आंखें खुल गई, आंखें खुली। मैंने कहा यार अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारा घर देखो और वो घर देखो, यकीन करो जैसे पिंजरा था। मेरा दिल इतना तंग था उस घर के अंदर। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी जिस हाल में अल्लाह पाक का शुक्र करे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, लोग कहते हैं भाई हम गाड़ी लें, हम ये करें, हम बंगला खरीदे, ये करें वो करें। भाई कुछ भी नहीं करो आप जो काम करते हो आप करो। आप टिकटॉक करते हो, यूट्यूब में काम करते हो, इंस्टाग्राम में करते हो, फेसबुक में करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप करते हो, आप लगे रहो, आप नहीं छोड़ो। लोग आपको जो भी कहते हैं लोगों को कहने दो, लोगों का काम ही बस यही है, बोलते रहते हैं भाई ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रहे हैं। लोग जो भी बोलते हैं बोलने दे भाई, लोगों का काम ही, काम करोगे, काम नहीं करोगे तो बोलेंगे काम नहीं करते, काम करोगे तो बोलेंगे ये कैसा काम करते, जब कामयाब हो गए तो पीछे जलेंगे वो लोग भाई ये क्यों कामयाब हो गया। लोगों का काम यही है, बोलते रहते हैं लोग, लोगों को हम क्या बोलेंगे। तो आप जो भी करते हैं आप लोगों, मैं भी देखो यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरे अभी तकरीबन 64 सब्सक्राइबर है मेरे अभी इस टाइम पर। अभी मैं बोलूँगा यार मेरे सब्सक्राइबर का मैं लोगों को मिलियन है, 3 मिलियन है, 1 लाख है, अगर नहीं मैंने कहा भाई मेहनत करूँगा, मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक एकदम कामयाबी की आवाज़ ज़रूर आएगी। घड़ी किसी और की होगी, टाइम मेरा होगा फिर। तो आप लोग भी मेहनत करें, जो भी करते हो आप लोग दिल से मेहनत करें, एकदम से भी ये नहीं सोचे भाई मैं एकदम से भाई अमीर हो जाऊँगा, ये एकदम से कोई भी नहीं होता। बच्चा भी जब पैदा होता है ना तो वो भी पैरों पर चलने की प्रैक्टिस करता है, तो फिर वो पैरों पर चलते हैं ऑटोमेटिक, एकदम से कोई भी नहीं होता। सही है? तो आप लोग मेहनत करें, लोगों को नहीं देखे, आप लोग बस मेहनत करते रहे, जितनी मेहनत कर सकते आप करें। और हाँ, कंटेंट अपना रखे, आवाज़ अपनी रखे, हर चीज़ अपना रखे। ये नहीं है कि आप मतलब अभी डक्की की कॉपी कर रहे, डक्की की आवाज़ निकाल रहे, वो नहीं कर, अपनी आवाज़ रखे, अपनी कंटेंट निकाले, मेहनत करे और पापा का आपको उसका सिला देगा। ये किस्म का मैं आपको एक वो बता रहा कि रात को मुझे ख्वाब आया, मतलब कि इतना पुराना घर हमारा, मतलब अभी देखो अगर उस साल को मैं देखूँ ना तो अभी अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करो ना कि कम है। अभी मैं देख रहा हूँ मैं गाड़ी ले लूँ वो ले लूँ, मगर उस साल को देखूँ ना तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी है। और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दे क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर। और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए। और अल्लाह हाफिज़, फिर अगली वीडियो में अगले कंटेंट में मिलते, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।